हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज है गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन सबको। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी काम मैंने सारा कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोवर्धन नहीं बनता है, क्योंकि गोवर्धन की पूजा तो शाम को होती है। हमारे यहाँ पे होता है विश्वकर्मा डे, तो विश्वकर्मा जी की पूजा हम सुबह सुबह ही कर देते हैं मॉर्निंग में ही, बगैर कुछ नाश्ता वगैरह खाए पिए। सबसे पहले उठते के साथ ही नहा धो के और विश्वकर्मा जी की पूजा होती है हमारे घर में। तो बस सारा मेरा काम हो चुका है और मैंने आज साड़ी डाली है ये वाली ब्लैक कलर की, बताना कैसी लग रही है। और अभी मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, पहले मिठाई वगैरह जो पूजा में लगती हैं और उसकी फोटो लेके आई हूँ विश्वकर्मा जी की। मैं पिछली बार लेके आई थी फ्रेम वाली, लेकिन अभी मैं उसको रख के भूल गई हूँ, पता नहीं कहाँ पे रखी है। तो फिर मैं दूसरी लेके आई थी और मिठाई वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि आज ही भाई दूज भी है, तो यही सारा सामान मैं निकाल के रख रही हूँ। और अभी चलते हैं पूजा करने के लिए, इसके पापा की भी छुट्टी है अभी। जैसे कि आप सभी को पता है, कल था ग्रहण, था सूर्य ग्रहण। कल का दिन किसी गिनती में नहीं आएगा, वो बिल्कुल खाली दिन था। तो आज वैसे तो लोग बाग, कुछ लोग गोवर्धन भी मना रहे हैं, कुछ भैया दो जो गोवर्धन, मैं तो आज ही मनाऊंगी क्योंकि आज ही है दोनों चीज। तो सबसे पहले हम कर देंगे विश्वकर्मा जी की पूजा और उसके बाद फिर हो जाएगा भैया दूज। तो एक दिन में ही दो दीवार हम करेंगे आज, और नहीं तो फिर कल वंशिक और निधि का पेपर है, इनके स्कूल खुल जाएंगे, तो ये कैसे भाई दूज करेंगे सुबह सुबह, सभी स्कूल चले जाएंगे। तो बस अभी जी हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, भी करेंगे हम सभी मिलके विश्वकर्मा जी की पूजा। तो ये विश्वकर्मा जी की पूजा की तैयारी मैं इन्हें करके दे रही हूँ। वैसे तो जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं विश्वकर्मा जी की और गोवर्धन की भी, जो जिनके घर पे शाम के टाइम पूजेंगे गोवर्धन, जो गोबर से बनाए जाते हैं वो। तो लेकिन बस मैं इनको ऐसे ही तैयारी करके दे रही थी, सारी पूजा तो सबनीत ही करेगा, इनके पापा करते हैं हर बार। तो अब सबनीत बड़ा हो रहा है, हमने सोचा चलो अब बच्चों को भी सिखाते हैं ये सब चीज़। तो सबने से करवा रहे हैं हम ये सारी चीज़ें जो होती है घर में, प्लास वगैरह और हथौड़ी कैची, जो भी लोहे की चीज़ जो औजार होते हैं वो सारे रखे जाते हैं इस पूजा में। और पूजा होती है ये काम के ऊपर, जो विश्वकर्मा जी के काम, जैसे काम होता है जिनका बिजनेस होता है उनके लिए विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। तो बस बच्चे सारे धागे कलावा बांध रहे हैं अपने साइकिल गाड़ी जो भी अपना घर में है, सवारी सभी चीज़ों पे बांध देंगे और सारे मिलके बैठ के बस पूजा कर लेंगे। तो सबनीत पूजा की तैयारी कर रहा है जो जला के, और मौली गौरव ने बांधे हैं धागे सारे, अंकित ने धूपबत्ती लगा दी है हर जगह। तो बस अभी सारे बैठे हैं और अभी हम पूजा कर रहे हैं। Thank you.
पूजा हो चुकी है विश्वकर्मा जी की। विश्वकर्मा महाराज जी सबके घर में सुख शांति और काम में बरकत लेके आए, बस यही प्रार्थना करनी होती है, यही प्रार्थना करी है हमने। तो आप सबको भी विश्वकर्मा जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो चुकी है हमारी पूजा, भी सुबह सुबह ही कर लेते हैं हम, ये सबसे पहले उठ के पूजा ही होती है। उसके बाद अब निधि ने ये वाला फ्रॉक डाला है, ये काफी पुराना फ्रॉक है लेकिन कभी इन्होंने पहना नहीं है, ये वंशिका का था कई साल पुराना, निधि को दिया है। तो निधि को बहुत पसंद है ऐसे ऐसे कपड़े, निधि पहन लेती लेकिन वंशिका नहीं पहनती है। वंशिका बहुत ही हल्के लाइट वेट कपड़े पहनती है। और ये है वंशिका, दोनों बहनें तैयार हो चुकी हैं और अभी चल रही हैं ये टीका करने। भाई दो शुरू हो चुका है हमारा, तो हमने एक दिन में ही दो त्योहार कर लिए हैं क्योंकि दोनों है भी आज ही वैसे कायदे में, क्योंकि कल का दिन जो था वो ग्रहण वाला वो तो था, गोवर्धन का दिन वो निकल चुका है। तो आज कायदे में दोनों त्योहार आज ही होने चाहिए, गोवर्धन भी और भैया दूज भी, कल का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम बस अभी वंशिका निधि करेंगे, भाई दूज मनाएंगे और मेरे भाई भी आज ही आएंगे, फोन कर रखा है, देखते हैं कब तक आते हैं। मेरी बहन ने भी साड़ी डाली है ये, तो हम दोनों बहनों ने आज फिर साड़ी डाली है, सारे त्योहारों पे हमने साड़ी डाली है, ऐसी तीज त्योहारों पे ही पहनी जाती है, फिर तो नहीं पहनी जाती। तो बस अभी वंशिका कर लेगी अपने भाइयों को टीका। अभी हो रहा है टाइम 4 बज रहे हैं, 3 बजे से मैंने वंशिकार से करवाया था कि चलो आधा दिन निकल गया है अभी भैया दूज कर लो। और उसके बाद मेरे भाई आ गया था शाम को, भाई भाभी, तो ये अभी आए हैं और हम भी आज ही अपना भाई दूज कर लेंगे, तो हमारे त्योहार हो जाएंगे आज ही समाप्त, क्योंकि भाई दूज भी आज ही कर लिया है और गोवर्धन विश्वकर्मा डे भी आज ही कर लिया है। तो भैया भी अभी आए हैं, अभी हम शाम का टाइम हो रहा है अभी, और अभी कर लेंगे हम इनको टीका।
और बुआ जी के यहाँ पे भी अब की बार बच्चे भेज दिए थे। अब की बार हम नहीं गए थे क्योंकि शाम के टाइम ही आए थे, और मेरी छोटी बहन भी आई थी कि उसके यहीं पे नंद रहती है, वो भी आई थी, तो फिर हमें जाने का टाइम नहीं मिला। तो समित, मौली और अंकित ये तीनों चले गए थे, और बस अभी हम यहाँ पे बैठ के सभी बात कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है अभी ऐसे ही। और टीका हमने कर दिया है, भैयादूज हो चुकी है आज शाम तक, रात तक ख़त्म हमारी। तो आप लोग पास कल मनाए परसों ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने आज ही मना ली है। और इस वीडियो का मैं हैप्पी एंड करूँगी, मिलती हूँ ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।